श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय दशम द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान श्लोक संख्या 24 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सवा अयम सत्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। शब्दात् सह वे वै भी अयम यह सखी हे सखी अनुगीता वर्णित सत कथा श्रेष्ठ लीलाएं वेदेशु वेदों में गुह्येषु गोपनीय रीति से च भी गुह्यवादिभिः गुह्य भक्तों द्वारा यह जो एक केवल एक ईशः परम नियंता जगत सारी सृष्टि के आत्मा परमात्मा लीलया लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजति सृजन करते हैं अवति अति पालन करते हैं तथा संहार करते हैं ना कभी नहीं तत्र वहाँ सज्जते उसमें आसक्त होते हैं। अनुवाद हे सखियों यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास नारद शुकदेव गोस्वामी कुमारगण कपिल प्रहलाद जनक बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप नाम गुण साज समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। यहाँ भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं हस्तिनापुर की स्त्रियाँ और बता रहे कि ये वही भगवान है जिनका वर्णन वेदों में शास्त्रों में गुह्यतम रूप से किया गया है। यानी भगवान को वेदों में फिर से भी जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तों। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? आत्मभक्तों भक्तों द्वारा, क्योंकि वेदों में भगवान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे श्रुति है तो श्रुति में भगवान का वर्णन ऐसे हुआ है कि भगवान सभी भौतिक चीज़ों से पृथक है। भगवान की इंद्रिया भौतिक इंद्रिया नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है इसमें कि भगवान जैसे निराकार है लेकिन वैसा नहीं है। भगवान को इंद्रिया नहीं है ऐसा वर्णन है लेकिन भगवान को भौतिक इंद्रिया नहीं है ऐसा वर्णन है। जैसे ये शीर्ष उपनिषद में वर्णन है कि परमेश्वर अपने धाम में रहते हैं फिर भी वो मन से भी सबसे ज़्यादा वेगवान है और दौड़ने में सभी दूसरे को पीछे रख देते हैं।
तो अगर भगवान को पैर नहीं है तो भगवान कैसे दौड़ सकते हैं। अत्यंत शक्तिशाली देवता भी उनकी समक्ष जा नहीं सकते हैं, वो एक जगह रहने वाले होते हैं, फिर भी वायु तथा वर्षा पूरी करने वाले देवों को भी नियंत्रण में रखते हैं और श्रेष्ठता में वे सबसे आगे हैं। तो ये भगवान का वर्णन उपनिषद में है। इस प्रकार से परमेश्वर चलते हैं और वो नहीं भी चलते हैं, वे दूर है और फिर भी सबसे नज़दीक भी है, वे प्रत्येक वस्तु के अंदर है और फिर भी वो सभी वस्तु के बाहर है। इसको बोलना धीरे खोलो भाई, हाथ ठार धार कर देते। यानी अभी देखो ऐसा वर्णन है कि वो सब सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। वो जैसे पांचवे श्री उपनिषद के पांचवे मंत्र में है कि परमेश्वर चलते भी और चलते नहीं भी चलते हैं। तो ये कैसे समझे? जब भी ऐसा वर्णन आता है कहीं हमें ऐसा लगे कि भगवान की इंद्रिया नहीं है तो हमें समझना चाहिए। ये प्रभुपाद बार बार बताते हैं और इस श्लोक में भी बताते हैं, ईशोपनिषद में या उपनिषद में ऐसा वर्णन है कि ऐसा लगे कि भगवान निराकार है। तो जब भी भगवान का निराकार की बात होती है तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान मतलब भगवान की इंद्रिया नहीं है। ऐसी बातें होती है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रिया भौतिक नहीं है। अगर हम इसमें गलती कर देंगे, जैसे मायावादी लोग बड़ी गलती करते हैं और उनको अल्प बुद्धि माना गया है मायावादी को, इसी तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। वो बहुत वेदों पढ़ते उपनिषद पढ़ते हैं वेदान पढ़ते हैं लेकिन अंत में उनका कंक्लूजन क्या है? भगवान निराकार है। जैसे ईशोपनिषद में लिखा है कि भगवान एक जगह उपस्थित है फिर भी वो सब जगह जाते हैं, भगवान अंदर भी है तो वे अंदर कौन है, हमको नहीं दिखता है तो बोलते निराकार है। और ये मायावादी का सबसे बड़ा भूल धारणा है और वो सोचते हैं कि भगवान का पूर्ण रूप निराकार है। लेकिन हमें कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए, जो वास्तव में निराकार ब्रह्म जो है वो तो भगवान का आंशिक रूप है। अगर हम आंशिक रूप को परम मान लेंगे तो हमारी गलती है और मायावादी लोग इसको परम मान लेते हैं और सबसे बड़ी उनकी गलती है। और इन सब गलती करने वाले मायावादी निर्विशेषवादी भगवान को शून्य मानते, भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को माया का रूप धारण करने वाले मानते हैं। ऐसे सब अल्प बुद्धि मूर्ख लोगों को प्रभुपाद ने चैलेंज दिया था और इसीलिए प्रभुपाद की प्रार्थना क्या होती, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारी। जो शून्यवादी है सोचते हैं सब कुछ शून्य है, निर्विशेष भगवान निराकार है। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो ये पाश्चात्य देश को धारण किया लेकिन भारत भी पाश्चात्य देश से रंगा हुआ है तो भारत में भी बहुत सारे निराकारवादी है, बहुत मायावादी निराकारवादी निर्विशेषवादी जो भारत में जन्म लिया फिर भी ये सोचते हैं कि भगवान निराकार है। तो ये राम और कृष्ण है वो कौन थे? वो तो माया का रूप है। वैसे भगवान निराकार है। देखिए मैं बार बार समझाता हूँ और फिर एक बार और समझाता हूँ। मायावादी की व्याख्या कोई पूछे तो ऐसा नहीं, मायावादी यानी हम जो माया में है, सब जीव माया में, वो मायावादी नहीं है। मायावादी यानी जो जिनका वाद जिनका दर्शन जिनका सिद्धांत ऐसा है कि भगवान निराकार है और भगवान रूप लेकर आते हैं जो रूप माया देती है। यानी भगवान निराकार परम है और जो रूप भगवान ने लिया है वो उनसे निकृष्ट है, वो माया के बद्ध रूप लिया है। इसीलिए मायावादी बोलते हैं कि अभी हम भगवान है लेकिन हम अभी अज्ञानी है, हम माया के द्वारा आवृत है और जैसे ही हमारा ज्ञान आ जाएगा पूर्ण ज्ञान तो हम भगवान बन जाएंगे। इसीलिए मायावादी एक दूसरे को मिलते हैं तो नमो नारायण मतलब मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। इसका खंडन श्री प्रभुपाद ने बहुत जगह किया है, भागवतम में भगवद गीता में और चैतन्य चरितामृत में विशेष किया है।
मायावाद को समझने तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है प्रकाशानंद के साथ जो मायावादी थे और वो इनके हजारों शिष्य थे और वो देखते थे, वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे कि ये युवान सन्यासी देखो भगवान का नाम को नाच जाहिर में लेता है और नाचता कूदता रहता है, इसको वेदांत पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रकाशानंद ने एक किया था तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे उनके पार्षद एक ब्राह्मण था, वो उनको बहुत दुख लग रहा था कि ये कैसा मूर्ख आदमी है कि चैतन्य महाप्रभु को जो साक्षात भगवान है और उनकी निंदा कर रहे तो उनसे सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि दोनों का मिलन हो, प्रकाशानंद और चैतन्य महाप्रभु का मिलन हो। तो ऐसी व्यवस्था हुई भगवान की कृपा से और वो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद के पास और फिर ये सब चर्चा होती, मायावाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं, बहुत सारे पॉइंट उसमें डिटेल में श्री प्रभुपाद समझाते हैं मायावाद का कैसे खंडन होता है। और मायावाद ये शंकराचार्य भगवान के आदेश से मायावाद का प्रसार करते हैं, शंकराचार्य ने प्रचार किया है। उन्होंने पद्म पुराण में कहा है कि मैं देवी पार्वती को कहते हैं वो पद्म पुराण में शिव जी कि मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा और ये निराकार मायावाद को प्रस्तुत करूंगा। तो उन्होंने वेद और वेदांत की गलत भाषा करके है पूरा मायावाद का, मतलब वर्ड्स जगलरी यानी शब्दों की रमत खेलकर उन्होंने पूरा भगवान को निराकार बता के और भगवान सब जीव भगवान है, भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, अद्वैत वो उन्होंने प्रस्थापित किया, वो वाद, वो मायावाद, शंकराचार्य का मायावाद। हालांकि शंकराचार्य का अंतिम उपदेश क्या था, भज गोविंदम मूढ़ मटे भज गोविंदम, हे मूर्ख उनके शिष्यों का, मूर्ख तुम गोविंद को भजो, गोविंद अपरो व्यक्तात्, भगवान पर है, सब इंद्रियों से पर है और गोविंद को भजो यानी गोविंद कौन है, भगवान स्वयं उनको भजो, ये तुम्हारा व्याकरण काम नहीं आएगा, ऐसा उनका उपदेश है शंकराचार्य का। तो इससे हमें समझ में आता है कि शंकराचार्य भगवान को मिशन को पूरा करने के लिए आए थे, ये सब समझना है हमको, भगवान चाहते थे, क्योंकि जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने ये जो उस टाइम वेदों का आश्रय लेकर ब्राह्मण मांस खाने लगे थे, यज्ञों में पशु का हत्या करके मांस खाने का शुरू किया था, तो उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सब शास्त्र गलत है, अगर शास्त्र में लिखा है कि मांस खा सकते हैं तो सब मैं शास्त्रों को नहीं मानूंगा। उन्होंने शून्यवाद प्रस्तुत किया कि मतलब ज्यादा नहीं बताया, उन्होंने इतना ही करने के से अहिंसा परम धर्म उनका यही ये था, हिंसा मत करो। तो जो लोग ऐसे अल्प बुद्धि वाले थे उनको ये अच्छा लगा तो वो बुद्ध के अनुयायी बने। अभी उन्होंने तो वेदों का इनकार कर दिया, फिर वापस वेद को प्रस्तावित करने के लिए धीरे धीरे इन्होंने इनको वेद को प्रस्तावित करने के लिए शंकराचार्य आए और उन्होंने वेद को प्रस्तावित किया लेकिन भगवान को निराकार बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उन्होंने ये प्रस्ताव ये किया, पर उन्होंने व्याकरण को ये करके तोड़ मरोड़ कर मतलब व्याकरण का उपयोग करके उन्होंने भगवान को निराकार बताया लेकिन भगवान मतलब वेदों को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। फिर रामानुजाचार्य मध्वाचार्य आके पूरा मायावाद का खंडन कर दिया और ये यहाँ ये हस्तिनापुर की स्त्रियां पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी, वो मूर्ख नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं स्वयं
कि यही यही स्वयं भगवान है, वही भगवान है कृष्ण जो विदाई ले रहे थे, ये वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। तो ये वेदों उपनिषदों में गुह्यतम रूप से हुआ है। अगर हम उसको समझने में गलती करेंगे तो हम भी मायावादी बन जाएंगे। लेकिन हमें मायावादी नहीं बनना है, हमें प्रभुपादानुग रूपानुग बनना है कि जो ये महाजनों का आश्रय लिया हुआ है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों जैसे व्यास, नारद, शुकदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्तिविश अवतार द्वारा हुआ है। यानी भगवान ये सबों ने स्वीकार किया है, भगवान की गुह्यतम लीला को स्वीकार किया है। और यहाँ ये भी कर रहे कह रहे हैं ये स्त्रियाँ, और वे कहते हैं कि वही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वो उससे प्रभावित रहते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत में है भी और नहीं भी है। अपने जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सब जगह व्याप्त है, लेकिन सूर्य पर्सनली सब जगह नहीं है, सूर्यदेव है ना। सूर्यदेव के सूर्यलोक से जो किरण आते हैं वो सब जगह व्याप्त है। तो हम बोल सकते हैं सूर्यदेव है या सूर्यदेव है, ये धूप आया ये सूर्यदेव है, लेकिन साक्षात सूर्यदेव नहीं है। साक्षात सूर्यदेव तो अपने सूर्य गोल में है, सूर्य लोक में है। तो इस प्रकार भगवान, परमात्मा और ये निराकार ब्रह्म, ये तीन पासा है। तो हम निराकार ब्रह्म से जान सकते हैं भगवान का आंशिक साक्षात्कार होता है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि निराकार ब्रह्म ही परम है वो मूर्ख है। जो लोग मानते हैं धूप जो है वही परम है, वही सूर्य है, वो मूर्ख है। धूप के ऊपर सूर्य गोलक गोल है, मतलब सूर्य ग्रह है वो इस धूप से, क्योंकि वहां से धूप आता है और उसमें सूर्यदेव भगवान साक्षात है, सूर्य नारायण, तो वो मूल है। इसी प्रकार भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म, ये तीन एक ही है। लेकिन उनका अगर किसी को निराकार ब्रह्म का साक्षात करो हुआ वो भगवान का साक्षात करे, लेकिन आंशिक साक्षात करे। तो ये फिलोसॉफी हमको समझना है। और ये फिलोसॉफी अगर कोई बोले, मायावादी बोले कि भगवान निराकार है, यस भगवान निराकार है, हाँ गलत नहीं है। लेकिन वो बोले कि भगवान परम ब्रह्म मतलब निराकार ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो वो गलत है। तो भक्त समझते हैं कि भगवान निराकार भी है, भगवान परमात्मा रूप से सब में व्याप्त है, और लेकिन मूल भगवान कौन है, श्याम सुंदर कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजमि, आदि पुरुष, वो साक्षात पुरुष है। उनके भी हाथ है, पैर है, आंख है, देख सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन उनका चलना, देखना, बोलना दिव्य है। जैसे हम रोज गाते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, जिनके प्रत्येक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। अगर भगवान को आंख नहीं है, लेकिन यहां तो भगवान देख नहीं सकेंगे, लेकिन यहां तो ऐसा कहा है कि वो आंख से चल भी सकते हैं और पैर से देख भी सकते हैं, वो जीवा से देख सकते हैं, जीवा से चल सकते हैं, आंख से खा सकते हैं। और हम देखते हैं हर रोज भगवान यहां आते हैं प्रसाद ग्रहण करने, अपनी दिव्य आंखों से वो ग्रहण करते हैं, है ना, दिव्य आंखों से। और भगवान कुछ भी, कोई भी इंद्र से कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान निराकार कैसे हुए ये भक्त जानते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों, तो भक्तों के द्वारा वो अदुर्लभ है भगवान, दुर्लभ नहीं है, तुरंत प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो स्वीकारते हैं कि भगवान साक्षात इंद्रिय है, साक्षात है, उनका शरीर है, दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद ट्रांसेंडेंटल बॉडी, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान निराकार नहीं है। हाँ भगवान निराकार क्या है, भगवान की अंग ज्योति। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान की अंश है, वो भगवान से ही की शक्ति है,
इसीलिए वो भी ब्रह्मज्योत के, ये पूरा जो विश्व है भौतिक जगत वो किसके आधार से है, ब्रह्म ज्योति से बना है पूरा विश्व की जो बनते हैं वो ब्रह्म ज्योति से, ये भगवान की शक्ति है हाँ? तो लेकिन वही भगवान है वही पूर्ण है वो गलत है और मायादी इसमें गलती करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। तो हमें ये समझना है, भक्तों को गलती नहीं करनी है। ये पूरा फिलोसॉफी जो कि हस्तिनापुर की स्त्रियां सहज सहज में बोल देती है, बातें बातें करती है, अरे वही भगवान है, वही भगवान है जो पूरे विश्व का सृजन करते हैं, विनाश करते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर भी इससे दूर रहते हैं, पृथक रहते हैं। देखिए जैसे दो बच्चे बात कर रहे हैं ऐसे, मेरा मेरे पिताजी तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े जैसे टाटा बिरला या समझो हमारे स्पेशल उदाहरण अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा बोलेगा मेरा बेटा, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है, वो ये सब हजारों फैक्ट्री वो चलाते हैं, ऐसा वो बोल देता है। लेकिन जो जानते नहीं मुकेश अंबानी को तो बोलेगा कैसे होगा कि ऐसे एक आदमी के पास इतना रुपया कैसे हो सकता है, एक आदमी कैसे सोच सकता है, उसके एक एक मिनट में एक एक करोड़ रुपया कमाता है वो मुकेश अंबानी, एक एक मिनट में एक एक करोड़ रुपया कमाते हैं। तो सामान्य गांव का आदमी बोलेगा कैसे वो कमाता होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा। लेकिन उसका बेटा उसको जानने वाला बोला नहीं नहीं वो तो एक एक मिनट में एक एक करोड़ रुपया, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा ही है। तो ऐसे ही ये जो हस्तिनापुर की स्थिति है, इसमें क्या बड़ी बात है, यही तो साक्षात भगवान है, तुमको दिखता नहीं है। देखो ये जो जा रहे विदाई ले रहे और एक मानव रूप में जैसे है, और वो युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, कुंती महारानी को प्रणाम करते हैं, लोगों का आलिंगन करते हैं, एक ये कृष्णा, तो लोग मोह में पड़ जाएंगे, ये तो मान मनुष्य है। लेकिन यहाँ के नहीं नहीं ये तो यही परम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है जो गोलोक में बैठ रहते हैं, और यही इन्होंने ही पूरा विश्व का सर्जन किया, विनाश किया और पालन करते हैं, वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं। देखो गोपियां साथ साथ में बोल रहे हैं, यही है वो हमारे सामने प्रस्तुत है। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई लोग जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और मूर्छित होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, दर्शन करते ही मूर्छित हो गए, और कोई लोग जाते हैं ये लकड़े का मूर्ति है है ना, ऐसा है। कोई बोलते हैं यही भगवान है, यही साक्षात भगवान है, हमें भी यही सोचना समझना है कि यही साक्षात भगवान है, यही सब इन्होंने, ये जो हमारे सामने हम हर रोज आरती करते हैं राधा श्याम सुंदर भगवान की, ये कौन है, ये वही है जिन्होंने पूरी सृष्टि का सर्जन किया और बारंबार सर्जन करते हैं, इनका पालन करते हैं, उनका विनाश करते हैं, यानी यही है भगवान है हमारे। जैसे जैसे हमारा रियलाइजेशन बढ़ेगा कि यही भगवान है, ये हमारा रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, हमारी अनुभूति बढ़नी चाहिए, यही भगवान साक्षात है। तो फिर हमें पालन, अपना पालन कैसे होगा, वो हमें नहीं, हम हर रोज गाते हैं ना पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, वो देखते हैं सब सब जीव सब जगत को, ये आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को देखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, यही कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम, ये कृष्ण उनका पालन पोषण करते हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारा साक्षात्कार ये होगा कि ये साक्षात भगवान कृष्ण, ये विग्रह जो है वो यस यस यही भगवान है, और इन्होंने ये सब सृष्टि का सर्जन किया है, इनका पालन कर रहे हैं, तो हमारा पालन तो हो ही रहा है, ये कृष्ण की वजह से हो रहा है, हमें ये समझना है, हमारा साक्षात्कार ये होना चाहिए कि कृष्ण की वजह से हमारा पालन पोषण हो रहा है, नहीं कि हमारी मेहनत से हो रहा है ना। सोचिए हमें काम करना है, हमारा जो ड्यूटी है वो हमको करना है, ऐसा नहीं एक आलसू की तरफ बैठे नहीं रहना है, कृष्णा कृष्ण मुझे पहुंचा देगा, हाँ पहुंचाएंगे कृष्ण को, हाँ लेकिन विश्वास मतलब
भगवान की सेवा, भगवान पे इतना विश्वास होना चाहिए। कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं, पश्यन्ति पान्ति चिरं जगन्ति। लेकिन हमें आलसी नहीं बनने, हमें भगवान के भक्त बनने और हमें अनुभूति करने के, यही साक्षात भगवान है जो हम सबका पालन पोषण करते हैं। इसलिए भक्त कभी आलसी नहीं होता है। भक्त आलसी होता लोग ब्लेम करते हैं, भक्त को क्या है ये सब। कल एक व्यक्ति मिला, वो बोला मैं प्रभुपाद को जानता हूँ, मैं अमेरिका गया था, विदेशों के साथ रहा था, बहुत अच्छा। फिर बाद में बोला कि अभी मैं योग करता हूँ। मतलब समझिए, अभी पहले परम ब्रह्म भगवान कृष्ण से नीचे उतर के योग करने लगे। मतलब वो जाने नहीं, सार नहीं जाने कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो लोग सोचते भक्ति में करना क्या है, अच्छा प्रसाद खाते हो, हाँ नाचते हो, ये भक्ति है, तप करना है तप। लोगों को ऐसा ही है कि बहुत मेहनत करेंगे तो ही हमको धन मिलेगा। सिद्धि तेने जईने वरे जे परसेवे नाही, एक गुजराती में कहावत है कि उनको ही सिद्धि मिलेगी जो बहुत कड़ी मेहनत करेगा। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि जो कड़ी मेहनत करते हैं उसको इतना पैसा नहीं मिलता है, उसको इतनी सिद्धि नहीं मिलती है ना, व्यवहार में देखते हैं। तो वो लोग ऐसे समझते हैं भक्ति में कुछ नहीं है, भक्ति से क्या, ऐसे जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है। तो तुम कोई भी नाम बोलो तो तुम्हारा मन केंद्रित हो जाएगा, कोको कोला बोलो चलेगा। हाँ ऐसा नहीं होता है, ये दिव्य नाम है। और यही रियलाइजेशन भक्तों को होता है कि ये नाम ही भगवान है और भगवान का विग्रह ही भगवान है, साक्षात भगवान। और यही विग्रह, और हम यही विग्रह को भोग अर्पण करते हैं या और भगवान ग्रहण करते अपनी आंखों से। तो ये द्वार हस्तिनापुर की स्त्रियों की तरह हम सबको ये रियलाइजेशन होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि यही भगवान है और हमारा सबका कल्याण यही भगवान करेंगे। हम इसमें गलती नहीं करना है, हमारा पालन पोषण भी यही करेंगे। ऐसे भक्तों को कभी कभी डाउट हो जाएगा कि ये चलेगा कि नहीं, हमको हर रोज प्रसाद खाना मिलेगा कि नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँगा तभी मिलेगा, नहीं मैं 10 घंटा 12 घंटा काम करूँगा तभी मिलेगा। मुझे भक्ति तो करनी है लेकिन मुझे 12 घंटा विफल सेवी ने कृपण दुर्जना, मुझे कृपण लोगों की 12 घंटा सेवा करनी पड़ेगी तो ही मुझे खाना मिलेगा, और मैं साइड में भक्ति करूँगा नहीं, मैं पहले भक्ति करूँगा फिर थोड़ा बहुत शरीर का पालन पोषण के लिए काम करूँगा। ये हमारा धीरे धीरे भगवान के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए इस प्रकार से। हाँ तो हम जल्दी इन स्त्रियों की तरह जल्दी से जल्दी हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम पकड़ के रखेंगे नहीं नहीं, हाँ वर्क इज वर्शिप, मेरा कार्य ही पूजा है, यानी मैं जो भी काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जो भी करता हूँ वही मेरी पूजा है, उसी से भगवान की पूजा हो गई, भगवान की एक्स्ट्रा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं करते, भक्त के लिए भी वर्क इज वर्शिप, लेकिन वर्क क्या है, भक्ति कृष्ण सेवा, वही वर्शिप है, वही वर्क है। और बाकी के लोगों के लिए खूब मेहनत करो, विश्वास नहीं है ना कृष्ण में, द्वारका की स्त्रियों की तरह, अरे हस्तिनापुर की स्त्रियों की तरह विश्वास होना, यही कृष्ण है, यही यही हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।